साथियों, कांग्रेस हमेशा से एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे से लड़ाती रहती है ताकि उनकी गाड़ी चल जाए। ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री ने जो कल बयान दिया है और जिस पर ये दिल्ली का परिवार है उनका मालिक, वो बाजू बगल में खड़े रहकर के तालियां बजा रहा था, बताइए। और ये पूरे देश ने देखा है। अपने इन बयानों से ये लोग किसका अपमान कर रहे हैं? यहां का कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन या हमारे के बिहार के भाई बहन यहां पर मेहनत ना करते हो, ऐसा कोई गांव नहीं होगा भाइयों। कल ही हमने संत रविदास जी की जयंती मनाई है, संत रविदास जी की जयंती मनाई है। मैं जरा इन नेताओं से पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, संत रविदास जी कहां पैदा हुए थे? क्या पंजाब में पैदा हुए थे क्या? संत रविदास जी उत्तर प्रदेश के बनारस में पैदा हुए थे, काशी में पैदा हुए थे? और आप कहते हो उत्तर प्रदेश के भाइयों को घुसने नहीं दोगे, तो क्या आप संत रविदास जी को भी निकाल दोगे? क्या संत रविदास जी के नाम को मिटा दोगे? क्या भाषा बोलते हो तुम लोग? इतना ही नहीं, मैं जरा पूछना चाहता हूं, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? पटना साहब में हमारे गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, और आप पटना में हुआ, बिहार में हुआ, और तुम कहते हो बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे, तो क्या तुम गुरु गोविंद सिंह महाराज का पान करोगे? आप गुरु गोविंद सिंह जी का अपमान सहन करोगे क्या? जिस मिट्टी में गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लिया उस मिट्टी का अपमान करोगे क्या? जिस मिट्टी में गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लेकर के हमारी रक्षा की उस मिट्टी के संतानों को उत्तर पंजाब में घुसने नहीं देंगे, ये भाषा का प्रयोग करोगे क्या? संत रविदास जी जिन्होंने समाज का इतना बड़ा कल्याण किया, काशी में पैदा हुए, आज पंजाब के हर घर में संत रविदास जी के प्रति श्रद्धा है, क्या आप उनको भी निकाल दोगे? हम यूपी बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, इस तरह की विभाजनकारी सोच को एक पल के लिए पंजाब में राज करने का अधिकार नहीं है भाइयों।